बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको होलिस्टिक वेलबींग में खुश आमदीद कहती हूँ। योगा एक ऐसा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो कि आजकल काफ़ी आम होता जा रहा है। दुनिया में हर जगह पे योगा पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है, लोग पसंद करते हैं योगा करना। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी आज की एपिसोड में क्यों ना योगा के मतलब बात करूँ। ये बात व्यूअर्स मेरे जहन में क्यों आई कि मैं आज योगा को ले कर आऊँ, एक और भी वजह है जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं इसको डिस्कस करूं। कोरोना वायरस एक ऐसा वर्ड है जिसको हम हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस वर्ड को हम अपने आप से अलहदा नहीं कर सकते। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हमेशा हमारी बात कह लें कि शुरू इस पे और इसी पे आके ख़त्म होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आजकल हम सब लोग, मोस्टली लोग, काफ़ी मतलब पूरी दुनिया में ही मैं तो कहूँगी कि लोग आजकल घरों में हैं और ना बच्चों के स्कूल हैं ना ऑफिसेज हैं। इस दौरान जहाँ पे हम कुकिंग भी कर रहे हैं, ऑफिसेज के काम भी कर रहे हैं, तो व्यूअर्स थोड़ा सा अपने लिए एक्सरसाइज का भी टाइम निकालें। और योगा चूँकि एक अच्छा वे ऑफ, आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस रिलीजिंग प्रोसेस है, तो इसको भी ज़रूर आप अपनी डे टू डे रूटीन में शामिल करें। योगा होता क्या है, किस किस को करना चाहिए, और इस पर आज मैंने बहस करने के लिए अपने शो पर दावत दी है हुनाज़िया दाऊद साहिबा को। ये योगा इंस्ट्रक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनसे पूछेंगे, अस्सलाम वालेकुम हुनाज़िया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनसे पूछेंगे कि योगा की अहमियत, ये क्यों करना चाहिए, किन किन को करना चाहिए, और किस तरह से ये हेल्प करता है वेट लॉस करने के हवाले से। क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि योगा का वेट लॉस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उस पर भी हम आज व्यूज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, फॉर्मली मैं अभी आपसे कहूँगी। चलो सबसे पहले तो आप व्यूअर्स को हमारे ये बताएं कि योगा होता क्या है। योगा इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। योगा एक्चुअली इज़ डिराइव फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड जो कि बहुत पुराना है। मैं नंबर्स में नहीं जाऊँगी क्योंकि इट्स अ वेरी एंशंट टेक्निक ऑफ एक्सरसाइज, एंड इट प्रमोट्स नॉट जस्ट the physical well-being but also the mental well-being. It's like a total form of exercise, mind and body, and it constitutes of pranayams, which is breathing, meditation, and of course the physical exercises that it entails. Yoga ke bare mein misconception ye hai ki like योगा सिर्फ ओल्ड पीपल करते हैं, या क्या योगा किन किन लोगों को करना चाहिए? योगा की खासियत ये है कि वो सब कर सकते हैं, यंग ओल्ड, यहाँ तक कि जो बीमार हैं, इनफैक्ट जो बेड रिडन है वो भी कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है, ख़ास करके क्योंकि इसमें सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइजेज ही नहीं है कि पॉस्चर्स ही नहीं है, जैसे कि आप जिम जाते हैं तो एक आप हेल्दी हैं तभी जा सकते हैं, लेकिन योगा में यह है कि अगर आप लेटे हुए भी हैं, एज लॉन्ग एज़ योर ब्रीदिंग, क्योंकि ब्रीदिंग इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ योगा, स्पेशली इफ़ यू डू गाइडेड ब्रीदिंग, फोकस्ड गाइडेड एंड रेगुलेटेड ब्रीदिंग, देन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ योगा। तो आप लेटे लेटे भी आप जैसे कई एक जो आपकी टेक्निक्स हैं वो यूज़ करें तो इट्स गोइंग टू इफ़ेक्ट यू इंटरनली। जब आपके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह पे जब आप उस पर असर हो रहा होता है, जब वो उनको जाके इफ़ेक्ट करता है, तो फिर जाहिर है फिर वो आपकी ओवरऑल हेल्थ डिपेंड करती है। तो हम बीमार हो के ही क्यों इंतज़ार करें इसका? आप अगर रेगुलरली ब्रीदिंग कर रहे हैं, क्योंकि योगा में यह है, आप एक सिंपल सी लाइक अगर आप टू अ ले मैन अगर आपको बताई जाए योगा के व्हाट इज़ योगा और व्हाट इज़ प्राणायाम्स जिसको कहते हैं, जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, कि आपका खाना बंद कर दिया जाए, आपका पीना बंद कर दिया जाए, तो आप फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे फॉर एटलीस्ट गुड 10 डेज। बिस्तर पे पड़े रहेंगे, सांस ले रहे होंगे, लेकिन आप होता ना आप पड़े हुए हैं आपको, लेकिन आप 15 दिन तक जैसे तैसे जी जाएंगे एटलीस्ट अगर आप हेल्दी रहे। लेकिन अगर आपकी सांस रोक दी गई, जैसे कि आपकी जो ब्रीदिंग जो ऑक्सीजन रोक दी जाए, तो कैन यू इमेजिन आप कितनी देर, कुछ मिनट्स ही जी पाएंगे ना, फिर तो ख़त्म। तो योगा में यही है कि लाइक अगर आप रेगुलेटेड एंड फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड वे में अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करें, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्रीदिंग विच इज़ कॉल्ड लाइक प्राणायाम्स, वो अगर आप करते हैं तो उसमें
एक तो वो दे गो एंड रिजुविनेट यू, लाइक आप ब्रीदिंग तो आप नॉर्मली हम सब कर रहे होते हैं, एंड जब आप बच्चे होते हैं और या आप यंग होते हैं तो हर चीज़ आपकी नई होती है ना, जवानी जिसको कहते हैं यूथ, तो उसमें हर चीज़ अच्छे से काम कर रही होती है. तो अगर आप उसमें ब्रीदिंग ठीक से करें या ना करें आपका काम चल जाता, बट एज़ यू ग्रो ओल्डर आपके सेल्स भी डिटेरिएट कर रहे होते हैं, आपकी हर चीज़ धीरे धीरे पुरानी हो रही होती है, तो हर चीज़ को आप रिजुविनेट करने के लिए, तो इसलिए योगा जब आप करेंगे ना तो आपकी जो आप ऑक्सीजन इनटेक लेते हैं, तो इफ़ यू डू इट द राइट वे, जो रेगुलेटेड वे है जो योगा में कहलाया जाता है, वो जब आप लेंगे तो इट गोज स्ट्रेट टू ऑल द ड्यू organs and the little cells that you have everywhere, it just goes everywhere and then wo usko rejuvenate kar diya hai, matlab unki oxygen is aapki uski kya kahenge risk aur uska jo ghiza ha to wo aapko jaag jo uski zarurat hai wo uske paas jaake and usko rejuvenate karti hai, uski wajah se har organ more effectively काम करता है. उससे आपका digestion, आपका sound sleep, आपका concentration, हर चीज़ your skin, you know, जैसे लोगों को जो भी आपकी छोटी मोटी बीमारियाँ हैं जो आपके oxygen ना पहुँचने की वजह से अंदर constrict हो रही हैं, वो सब वापस काम करने लगती हैं. या वो वापस अब इट गिव्स यू अ कामनेस इन द सिक्योरिटिक वर्ल्ड. आप सुबह सुबह उठ के आपने सांस भर के ले लें. हाँ, फॉर इंस्टेंस आप छोटी सी एक वो देखिए कि बच्चा जब एकदम से परेशान होता है या गिर जाता है तो वो जो रोना शुरू करता है आ करके तो सांस रोकता है ना, तो माँ बाप क्या करते हैं, नहीं सांस लो सांस लो सांस लो ये करते हैं ना, तो बिकॉज वो सांस रोक लेता है. आप खुद अपने ऊपर आजमाइए कि आप जब कोई पिक्चर देख रहे होते हैं और कोई डरावनी पिक्चर है और कोई ऐसा सीन आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सांस रोकते हैं. तो यू कंस्ट्रिक्ट, जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, जब आप बहुत ही टेंस्ड होते हैं ज़िंदगी के हालात से, जो परेशानियाँ जो चल रही होती सभी की ज़िंदगी में, मतलब इट्स नॉर्मल, सबके कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो वो आप जब वो फिर रिस्ट्रिक्ट करती है आपकी ऑक्सीजन अंदर जाने में या सही से जाने में, तो उसके लिए फिर आपको जब बाकायदा बैठ के एक एक्सरसाइज जैसे होता है ना, डीप ब्रीदिंग इन एंड डीप ब्रीदिंग आउट, जो है खाली डीप ब्रीदिंग ही कर ले. देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्रीदिंग, इसमें प्राणायाम्स में यही है, देर लाइक सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्रीदिंग डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नीड इट फॉर, बट अगर आप सिंपली बैठ के डीप ब्रीदिंग ही कर लें तो वही इतनी इफेक्टिव होगी आपकी. और ये आप कहीं भी कर सकते हैं, लाइक गाड़ी चलाते में, सिग्नल पे, टीवी देखते हुए, यू नो, जो हम इग्नोर करते हैं, हम कहीं भी कर सकते हैं, और अगर कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है. और ये तो आप अगर बिस्तर पे भी लेटे हैं, मान लिया आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लेटे हैं लेकिन आप सांस ले रहे हैं तभी जिंदा है ना. बिल्कुल, जब आप सांस ले रहे हैं तो थोड़ी डीप तरीके से, सही तरीके से सांस ले ली, तो वो इफेक्ट आपको आपको लाइक आपके ऑर्गन्स जाके हेल्दी ही करेगी. बिल्कुल. तो बिल्कुल मैं से एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि योगा जो है वो सिर्फ एक मेडिटेशन का ही एक फॉर्म है, इसका वेट लॉस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या इससे वेट लॉस में भी फ़ायदा होता है. वेट लॉस में फ़ायदा तो डेफिनेटली ओवरऑल हर एक चीज़ में होता है. फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मसल, हाँ, इट टोन्स योर बॉडी फॉर श्योर, इट टोन्स योर बॉडी. और जैसे कि एंड इट ऑल्सो इफेक्ट्स इन योर ऑन योर इंटरनल ऑर्गन्स में, अगर कुछ मसला है जैसे कि आपको क्रेविंग्स ज़्यादा हो रही हैं तो वो तो कर्टेल करेगी. और जैसे आपकी, हाँ, आप जैसे स्ट्रेस्ड होते हैं तो व्हाट यू गो फॉर फूड, इमोशनल ईटिंग करते हैं, आप क्रेविंग्स होती हैं, यू नो, लाइक यू जस्ट वॉन्ट डाइवर्जन, तो आप फूड देखते हैं, दैट इज़ द इमीडिएट जो सामने होता है वो. तो अगर आप जैसे स्ट्रेस नहीं है, आपका स्ट्रेस रिलीव हो रहा है तो आपकी टॉक्सिन्स निकल रही हैं, तो यू विल नॉट go there to eat, you know, आप कुछ और देखेंगे because your mind is relaxed and you're thinking clearly. तो side effect तो उसका होता है, but yoga is not a cardio workout, ये याद रखना है, it's a very relaxing workout. तो इसमें body tone करेगी, internally आप healthy होंगे तो फिर बाहर से भी आप फिर हेल्दी. लोग हमारे क्या करते हैं कि डाइटिंग तो कर लेते हैं, उससे वेट तो वो लॉस कर लेते हैं, लेकिन बॉडी टोन जो होगी वो बॉडी योगा से होगी. डाइटिंग कर रहे हैं, कुछ डाइट प्लान फॉलो करें तो योगा भी है. योगा भी है और ब्रीदिंग टेक्निक्स जो योगा में है वो भी है, मेडिटेशन भी है, कंप्लीट वर्कआउट है, माइंड एंड बॉडी वर्कआउट है. हमारे शो का खुलासा है कि माइंड एंड बॉडी का जो वर्कआउट है वो योगा है. राइट. व्यूअर्स, आज आपने उनाजिया से सुना कि योगा किस कदर अहम है. हम लोग यूजुअली, अभी मैंने जैसे कहा कि डाइटिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है एक्सरसाइज और योगा पे
कमजोर कहते हैं कि बस हम अब थक गए हैं, अभी कुछ नहीं हो और एक और सकता। बात, योगा आप बाकी एक्सरसाइज से आप वेट लूज अभी कर भी लेंगे तो थोड़ा होता है ना, जब आप वेट लूज करते हैं तो आपके फेस पे पहले इफेक्ट आता है, इट डजंट बिल्कुल लुक सही कह वेरी रही नाइस, हैं, बट आप योगा भी साथ में कर रहे होंगे तो वो ग्लो रहेगा ग्लो आपके, रहेगा। चलो बिकॉज यू आर म्यूजिक, गेटिंग ऑल द ऑक्सीजन फॉर योर फेस एंड योर बॉडी एंड एवरी थिंग, ये तो सो सबसे अच्छी योगा बात की जरूर करें आपने, आप योगा जरूर करें अपनी फ्रेशनेस के लिए भी, जी जहाँ पे आप कंप्लीट वेलनेस के लिए, कंप्लीट वेलनेस के लिए योगा बहुत अच्छी है। नाजिया आपका शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, थैंक यू व्यूज़ फॉर आपने, हैविंग मी, थैंक यू। सो व्यूज़ आपने सुना कि योगा कितना अहम है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारे शो के बाद आप ज़रूर योगे योगा के जो स्टेप्स हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। आप कहीं पर भी योगा यूट्यूब्स पे इतनी अच्छी बिगनर्स की हैं, आप किसी इंस्ट्रक्टर के पास जा सकते हैं, अगर औरतों के पास टाइम नहीं है, हमारी औरतों के पास नहीं अक्सर टाइम होता है कि वो कहीं पे जा सकें, तो घर यूट्यूब में कर पे सकते हैं या घर में आप, वही मैं कह रही हूँ ना कि छोटे छोटे स्टेप्स यूट्यूब पे अगर आप देखो तो बड़े बिगनर से जी आप बिल्कुल, बस ऐड करें, कुछ करें ज़रूर, हाँ कुछ कुछ जरूर करें करें ज़रूर। बिल्कुल, तो व्यूज़ हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आज अपने प्रोग्राम का इख्तिताम अच्छी सी बात से करूँगी कि सफाई निसफ ईमान है, जो कि हमारे मज़हब में आज से 1400 साल पहले बता दिया गया, और आजकल के इस माहौल और आजकल के हालात में सफाई ही हमारा एक आखिरी निजात का कहले के ज़रिया है, इस बीमारी से बचाव का ज़रिया सफाई है। अपने घरों को, अपने आप को और अपने दिलों को साफ़ रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।